मुन्नार शहर से 15 से 20 किलोमीटर के अंतर पर जो एराविकुलम नेशनल पार्क है, ये पार्क की स्टोरी इस वीडियो में दिखाई गई है। काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद ये पार्क काफ़ी पुराना है। गवर्नमेंट ऑफ केरला ने ये प्राकृतिक संपदा संभाल के रखी है और इसके बारे में शॉर्ट स्टोरी एक बढ़िया हॉल में प्रेजेंट की गई है, जहाँ पे अलग अलग पक्षियों और प्राणियों के चित्र के साथ उनका नाम और हिस्ट्री, और जो कि इस माहौल में पाए जाते हैं, ऐसे ये प्राकृतिक संपदा पशु पक्षियों प्राणी एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ कोटेशंस भी इस हॉल में बहुत बढ़िया तरह से प्रेजेंट किए हैं। ये जो एराविकुलम नेशनल पार्क है केरला में, ये पार्क का उद्देश्य यही है कि पर्यावरण की सुरक्षा हो और यहाँ के जो जीव जंतु है, प्राकृतिक जो भी सौंदर्य है वो आबादित रहे। लेकिन काफ़ी सारे पर्यटक आते हैं और ये स्टोरी पढ़ के, पार्क का नज़ारा शॉर्ट स्टोरी देख के प्रभावित हो जाते हैं। और सही मानो तो ये स्टोरी पढ़ने से भी बेहतर यहाँ का जो माहौल है, ये जो एराविकुलम नेशनल पार्क है वो देखने में बहुत मज़ा है। ये एराविकुलम नेशनल पार्क में प्राइवेट ट्रैवलिंग, प्राइवेट फोर व्हीलर या टू व्हीलर लेके घूमना मना है, प्रतिबंधित है। तथा ये पार्क में, ये पार्क की जो बस है उसका टिकट निकालने पर आप यहाँ पे ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और ये ट्रैवलिंग का पर्यावरण प्रेमी लोग इसको देखते हैं, संभालते हैं और बच्चों को भी दिखाते हैं। वैसे स्कूल के प्रोजेक्ट में जो पर्यावरण संबंधी छोटे छोटे विषय लेके प्रोजेक्ट किया जाता है, उससे कई गुना बेहतर है कि बच्चों को ये दिखाया जाए, इसकी शॉर्ट स्टोरी दिखाई जाए, समझाई जाए। इस पे भी सही मायनों पर प्रोजेक्ट बन सकता है। जो सही मायने में, ये देखिए यहाँ पे मौजूद सांभर थे, अलग अलग से प्राणी थे, उनके कुछ अवशेष भी यहाँ पे रखे हुए हैं, शायद ये किसी ने। तो चलिए दोस्तों, केरला के टूर में मुझे यह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगा, जो कि बच्चों ने देखना चाहिए और पर्यावरण प्रेमी सभी लोगों ने समझना चाहिए, ऐसे मुझे लगा। इसलिए विद्यावार्ता यूट्यूब चैनल पे मैंने ये प्रेजेंट किया है। अगर आपको ठीक लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।